तो परमेश्वर को मालूम था कि जब तक अब्राहम इन लोगों में रहेगा मैं अब्राहम को ब्लेस नहीं करूंगा। कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि मेडिकल साइंस डॉक्टर्स परमेश्वर ने खड़े किए हैं। बाइबल बताती है पौलुस ने कहा तिमोथियुस को अपने पेट के बार बार बीमार होने का दाखरस काम मिलाया कर। बाइबल बताती यीशु मसीह ने कहा बीमार को वैद्य की जरूरत है, इसलिए परमेश्वर ने कहा बीमार को वैद्य की जरूरत है। अगर परमेश्वर को यह बोलना होता कि बीमार को वैद्य की जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ मेरे पास आए, ऐसा नहीं। लेकिन कई बार परमेश्वर वैद्य की दवाई मेडिकल साइंस को काम नहीं करने देता ताकि आपको यह मालूम हो कि आपकी लाइफ में जो हीलिंग हुई है वो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता था और उसी ने की है। इसलिए हम ऑपरेशंस के खिलाफ नहीं है, हम मेडिकल हम दवाइयों के खिलाफ नहीं है। हम लोगों को यही बोलते हैं आप पर हीलिंग की प्रार्थना हुई है, डॉक्टर कंफर्म करेंगे कि आपके पेट का रोग चला जा चुका है, आपका कैंसर खत्म हो चुका है, आपको दवाई की जरूरत नहीं। डॉक्टर आपको बोलेगा दवाई की जरूरत नहीं, हम आपको नहीं कहेंगे दवाई की जरूरत नहीं। हम क्यों कहेंगे? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने कहा बीमारों को वैद्य की जरूरत है, वचन की नॉलेज छुटकारा है। इमेजिन करो जो संसारिक नॉलेज है वो छुटकारा पैदा कर देती है, जो संसार की नॉलेज है वो छुटकारा पैदा कर देती है संसारिक दृष्टि में। इमेजिन करो जो वचन है, जो वचन की नॉलेज है, जो परमेश्वर की नॉलेज है, वो कितना बड़ा छुटकारा आपकी लाइफ में पैदा कर सकती है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। बाइबल कहती है कि जब पौलुस को पकड़ लिया गया और पौलुस के ऊपर मुकदमा चलाया गया तो पौलुस को मालूम था कि ये लोग कुछ खराबी करना चाह रहे हैं। और बाइबल कहती है कि पौलुस को उस देश के लॉ के बारे में मालूम था। और बाइबल कहती पौलुस ने कहा मैं कैसर की दुहाई देता हूं, मैं राजे की दुहाई देता हूं। और उस देश में एक कानून था कि अगर कोई कैदी राजा की दुहाई दे तो उस पर नेक्स्ट मुकदमा राजा के सामने ही चलाया जा सकता है, दूसरे लोग उस पर मुकदमा नहीं चला सकते। और बाइबल कहती पौलुस को ये लॉ ये कानून मालूम था और जैसे ही उसे कैसर के सामने ले जाया गया उसने अपनी गवाही कैसर को दी और फिर वहां पर उसने जेल में रह के बाइबल कहती कैसर की सारी राजभवन की जो पलटन थी जो हजारों पुलिस वाले थे सबको मसीह कर दिया, सबको परमेश्वर में लेके आया और हर एक जन यीशु मसीह के वचन को जान गया। एक संसारिक नॉलेज जो थी पौलुस को मालूम था कि इस देश का कानून जो है वो क्या कहता है और उस तरफ से जब उसको संसारिक नॉलेज थी उस तरह से उसने कितना बड़ा छुटकारा अपनी लाइफ में हासिल किया। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अगर संसारिक नॉलेज छुटकारा पैदा कर सकती है तो इमेजिन करो जो परमेश्वर के संविधान की वचन की जो हमारा स्पिरिचुअल संविधान है उसकी नॉलेज हमारी लाइफ में कितना बड़ा छुटकारा पैदा कर सकती है। आमीन। आज जब लोग आपको मालूम लोग आजकल जो माहौल पिछले दिनों में चल रहा था लोग आपको बोलते थे ए, ये धर्म पर इसने धर्म परिवर्तन किया इस पे केस कर दो। तो मैंने अपने जो मेंटरशिप के पास्टर्स हैं मैंने उनको समझाया, मैंने कहा अगर कोई आपको ये बोले कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया तेरे पे केस करेंगे। आप जानते हैं लॉ के मुताबिक इंडियन कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन करना पाप नहीं है और लॉ के खिलाफ नहीं है। आप लॉ के हिसाब से रोज धर्म चेंज कर सकते हैं और कानून आपको इजाजत देता है, कोई बंदा आप पर कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि सुनो मेरी बात, लोगों को मालूम है यह बात कि हम धर्म नहीं बदलते हैं, हमने प्रीच किया है, हमने साबित किया है, लोगों ने साबित किया है, यहां आने वाले लोगों के नाम चेंज नहीं किए गए, उन्हें मालूम है यह बात कि हम धर्म नहीं बदलते, लेकिन फिर भी उनको कीड़ा है तंग करने का। और वो कैसे तंग करते हैं? तूने धर्म बदल लिया। और अगर आप लॉ के जानकार हों, अगर आपको लॉ का मालूम हो, अगर आप उसको आगे से पूछें कि इंडियन लॉ के मुताबिक क्या धर्म परिवर्तन करना अपराध है, अगर तो अपराध है तो मुझे अरेस्ट करो, अगर अपराध नहीं है तो मैं तुझे जो मुझे लॉ के मुताबिक चलने से रोक रहा है मैं तुझ पे कार्रवाई करवा सकता हूं और पुलिस को उस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको पता है ये बात? यहां तक कि अगर आपके ऊपर कोई पुलिस वाला भी इस विषय पे केस करता है कि आप लोगों ने धर्म परिवर्तन किया तो उस पर भी केस बनता है, उसको सस्पेंड किया जाता है। ऐसा हुआ है गुरदासपुर में जहां हमारे लोगों को पकड़ के लेके गए और बोला कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, वो पुलिस वाला जो पकड़ के लेके गया वो सस्पेंड हुआ। क्योंकि आपको अगर लॉ की नॉलेज है आपको ये मालूम होना चाहिए कि धर्म परिवर्तन करना अपराध नहीं, लालच देकर धर्म परिवर्तन करना अपराध है। और लोगों को मालूम है हम लालच नहीं देते, आपको भी मालूम है, हाँ या ना? अगर कोई ये बोलता है कि तूने लालच देकर धर्म परिवर्तन किया है उसको बोलो प्रूफ कर, अगर तू प्रूफ नहीं कर पाया तो हम तुझ पे एक्शन लेंगे अभी, वो डर जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कोई बंदा प्रूफ नहीं कर पाया, जिस तरह एलियन है जी, एलियन यूएफओ दिखा बस वो एलियन दिखता है ओरिजिनल में है नहीं, उसी तरह से धर्म परिवर्तन की बात सिर्फ एलियन है, कभी भी ओरिजिनल में साबित नहीं की जा सकती। 50 से 60 लाख लोग पंजाब में क्रिश्चियन है, अभी एक भी आप जगह साबित नहीं कर पाए कि हमने धर्म परिवर्तन लालच देके किया होगा, क्योंकि ये है ही नहीं। आमीन। मैं एक संसारिक नॉलेज की बात कर रहा हूं कि अगर आपको संसारिक नॉलेज है तो आप अगर कोई आपसे बोले कि तूने धर्म किसी भी बंदे को दूसरे धर्म के बंदे को यह कहना कि मेरी चर्च में चल या मेरे धर्म को मान तो यह सब छोड़ दे, ये भी अपराध नहीं है।
आप किसी क्रिश्चियन को बोल सकते हो अपना क्रॉस उतार दे, चर्च में जाना बंद कर दे, हमारे धर्म में आ, ये अपराध नहीं है। आप लालच दे के बोलो, डरा के बोलो, धमका के बोलो, वो अपराध है। तो ये आपको अगर नॉलेज है तो ये आपके संसारिक छुटकारे का कारण बनती है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक संसारिक नॉलेज से आपको छुटकारा मिल सकता है तो इमेजिन करो जो बाइबल की नॉलेज है, जो वचन की नॉलेज है अगर आपको हो, तो कितना बड़ा छुटकारा आप और आपका परिवार हासिल कर सकते हैं। इमेजिन करो,